ठीक है, ये अपने पास इसकी मेन डिवाइस है और ये हेडफोन है इसके जो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे आर लिखा हुआ है तो राइट कलर के हिसाब से भी आप कलर मैचिंग कर सकते हैं, और लेफ्ट पे ब्लू कलर का। ठीक, और बीच वाला जो है ये बोन वाइब्रेटर के लिए होता है, बोन प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हम ये बोन वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ओनली प्योर टोन करेंगे, प्योर टोन में सिर्फ अपना ये हेडफोन यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी यूएसबी केबल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यूएसबी केबल को वहाँ कंप्यूटर पे कहीं भी किसी भी पोर्ट में लगा दो, तो यहाँ पे बस एलईडी ग्लो कर रही है, इसका मतलब पावर लग रही है मशीन को। अब सिंपल हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट रहता है, इसमें जैसे सॉफ्टवेयर पे गए तो यहाँ पे हमने सिर्फ लॉग इन करना है, और पासवर्ड भी है हमारा, जैसे एडमिन 123 है हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड है 1234। ठीक है, और इसको लॉग इन करेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, ऐड पेशेंट पे जाते हैं, ऐड पेशेंट पे गए, पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, वन हो चुका है, सेकंड आ रही है, और सीआर नंबर जो है ये मशीन का इनबिल्ट है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ नाम ऐड करेंगे, नाम जैसे आपका योगेश नाम। योगेश YO कर लो, ठीक है, जैसे सर का नाम लिख दिया। MA। ठीक है, उसके बाद जेंडर मेल, एज डाल दी, तो अपने आप ये उठा लेगा यहाँ से, तो इसको सेव करो, यहाँ पे चेक कर लो कौन से नाम से है, बस उस पर डबल क्लिक कर दो। इस तरह से अपना ये खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ चेक कर सकते हैं हम, डिवाइस अटैच्ड करके ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अगर ये अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस लग के आएगा। ठीक है। ठीक, तो अब क्या होता है, सबसे पहले नाम वगैरह हमने डाल दिया, यहाँ पे जाते हैं टोनल टेस्ट में, न्यू सेशन। ठीक है, न्यू सेशन करते ही यहाँ पे ये यह हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो राइट ईयर का करना है या लेफ्ट ईयर का करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे राइट जो होता है रेड से शो होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रेड से शो हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से लेफ्ट का क्लिक करेंगे तो ये ब्लू से शो होता है, सारी चीज़ वो ये ब्लू रेड यहाँ पे। समझ गया। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे हेडफोन है, हेडफोन लगाएंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये आप लगाइए, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, और ये एडजस्ट भी हो जाते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, कवर कान इधर भी ले लो, इस तरह से लगाने हैं, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। ठीक है, अब सिंपल रहता है अपना, जैसे राइट पे क्लिक किया तो 50 से स्टार्ट करते हैं हम, नियर बाई 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 dB पे साउंड आ रही है। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर 40 पे जाओ, साउंड आ रही है, फिर थोड़ा मतलब 5 का गैप ले लो, साउंड आ रही है, हल्की आ रही है। हाँ हल्की आती जाएगी, डीबी कम होता जाएगा, हल्की आती जाएगी, जहाँ पे आपको बिल्कुल लगता है कि हाँ अब ख़त्म हो गई ये साउंड आना, तब आपने बता देना है। जैसे जैसे मैं पूछूंगा ना, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। हल्की सी है, बहुत हल्की है, अब नहीं आ रही। हाँ, तो जिस जो लास्ट होती है पोजीशन उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है, यहाँ से किया था, यहाँ से क्लिक किया था हमने साउंड देने के लिए। ठीक है, यहाँ यहाँ ले लो, यहाँ से मैंने साउंड देने के लिए क्लिक किया, जैसे वहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हाँ यहीं पर तक है, तो इसको ऐसे छोड़ा, फिर इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वो वहाँ पे फाइनल हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरी फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, ये 125 की फ्रिक्वेंसी थी, अब ये 250 की फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे। इस तरह से ये 8K तक लेते हैं, अच्छा 125 हर्ट्ज से 8 kHz तक हम साउंड देते हैं, और अच्छा डीबी अपनी चलती है 120 से -10 तक। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हमने क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट होता है उसको पहले 50 पे ही स्टार्ट करते हैं, जैसे 50 पे स्टार्ट करूँगा, साउंड आ रही है, बहुत हल्की। नहीं आ रही है, बस ये लास्ट पोजीशन जहाँ पे बिल्कुल सुनना बंद हो गया, उससे पीछे वाली पोजीशन ले लो। ऐसे ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा पूरा। बिल्कुल,
मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ ले लिया, फिर इस साइड कर रहा हूँ या पूरा करूँ? नहीं नहीं पूरा मत करो। हाँ तो बस जैसे यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, इस तरह से। अब क्लिक देख लो, पहले ये कर रहा हूँ आवाज़ सुनाने के लिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए ये ग्राफ तभी बनेगा वो। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जब भी क्लिक करना है इससे आगे करना है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा। हाँ ये इंटरप्रिटेशन चल रहा है साथ के साथ। ऐसे लेफ्ट ईयर का करना? हाँ बस ऐसे लेफ्ट ईयर सेलेक्ट करो यहाँ पे, और ये लेफ्ट वाला कर लो। ओके, ये जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बस साउंड सुनाते जाओ, हाँ या नहीं जवाब देता है तो दे दो, नहीं तो ये दे दो हाथ में, यूं दबा दे। हाँ वो इंडिकेटर यहाँ पे जाता है। जैसे अब मेरा रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो मेरा रिस्पॉन्स आएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, ये मेरा रिस्पॉन्स जा रहा है ऊपर, समझ गया। ठीक है, क्लिक करते ही अगर वो उसको दबाएगा तो उसका रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें बतानी है, वैसे इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। तो ये आपका टोनल टेस्ट कंप्लीट होता है, एयर जिसको बोलते हैं, एयर टेस्ट होता है। इसमें जैसे दो टेस्ट होते हैं, एक बोन वाला होता है। ये सब सेट करने की जरूरत नहीं, प्योर नहीं, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बोन टेस्ट करना हो तो ठीक है, ये बोन वाला होता है, अब उसको निकाल दो। ठीक है, बोन टेस्ट के लिए क्या होता है? बोन टेस्ट कब लेते हैं? जैसे बोन टेस्ट लेते हैं अगर ये आपका माइल्ड में आ रहा है, अगर ये ज्यादा खराबी आ रहा है, कम में खराबी आ रही है तो बोन करना है। पॉज भी कर सकते हैं थोड़ी देर। जैसे ये लगाया है और इसको रखना है मैस्ट्रोइड पे, ठीक है, बोन को, और ये आगे, इससे ये क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसमें क्या रहता है, वही जैसे बोन सेलेक्ट करेंगे, राइट का कर रहे हैं, राइट का कर रहा हूँ, राइट सेलेक्ट करो। अब इसमें क्या होता है, 125 और 8K पे ये काम नहीं करता है, मतलब इसको बंद रखा होता है। ये 200 से 6K तक ही काम करता है। ये ग्राफ दिख जाएगा, थोड़ा सा आपको ग्राफ दिख रहा होगा, थोड़ी सी लाइन दिखनी बिल्कुल हल्की सी, इसलिए तो ये यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप लगा के देखो, राइट पे लगा के देख लो, जैसे मैंने बताया। इसमें राइट लेफ्ट कौन सा होता है? इसमें नहीं होता, इसमें एक ही होता है, यही लेफ्ट पे लगाना होता है, यही राइट पे लगाना होता है, पीछे पीछे चश्मा होता है। हाँ बता दो, ये इधर, ये आगे, वो पीछे, कान के पीछे। एक मिनट एक मिनट, हाँ गलत हो गया, ये जो है ये ऐसे घुमा के ऐसे लगेगा। अच्छा। ठीक है, आ गया। हाँ ठीक है, उस पे हड्डी पे आ रहा है ना। हाँ अब जैसे ये होता है तो ये बोन वाइब्रेटर चेक करने के लिए आ रही है ना, वाइब्रेशन हो रही है, बस उसके लिए होता है, बस इसको भी वैसे ही करना है। समझ गया समझ। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है? इसमें नहीं, इसमें अगर राइट का करना है तो राइट वाली साइड लगाओ, लेफ्ट का करना है तो इसको खोल के फिर लेफ्ट वाली साइड लगाओ। ऐसे ऐसे, जो यहाँ लगाया था उसको इधर उल्टा कर दो फिर। बस बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये है बस, इसमें बस बस, बाकी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा कम्प्लीट। प्रिंट मान लो मैं कर ही देता हूँ इसको। वैसे इस पर आएगी नहीं, साउंड ही नहीं आएगी, वैसे तो मैंने ले लिया, इस पर साउंड नहीं आती है। ठीक है, ये होता है, बस इसके आगे क्या होता है, हमने सेव करना होता है इसको, ये सेव की ऑप्शन है, इसको सेव करेंगे। अब जैसे प्रिंट अटैच होता है इसके साथ, तो प्रिंट पे जाएंगे तो इस तरह से ये बताएगा कि कहाँ पे लेना है। अभी मान लो मैं इस पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो इस तरह से ये प्रिंट पे आ जाएगा। फ़ोटो खींच लो। हाँ ले लो इसका, ले लो भैया वीडियो। ठीक है, जैसे ये एक मिनट, ज़्यादा बड़ा हो गया, 100% ये 150। ठीक है, इस तरह से आएगा ये, इसकी देखो ये सारी रिपोर्टिंग आ रही है, एवरेज कितनी चली है हमारी, हाई कितना गया है, मिड कितना गया है, लो कितना है। ठीक है, सब की रेंज यहाँ पर बताएंगे। हाँ बाकी यहाँ पे जैसे क्लिनिक, ये कहाँ कनेक्ट होगा? ये चीज, ये पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच होता है ये। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, और वो उसके मतलब बॉक्स में से ये इतना ये केबल निकालनी है? हाँ, ये भी अंदर को निकालनी है, जैसे ये अटैच हो जाता है ऐसे। ये कंप्यूटर बाहर रहेगा? कंप्यूटर भी बाहर रहेगा। हाँ कंप्यूटर बाहर रहेगा, और ये सिर्फ ये अंदर रहेगा बस, और ये सब अंदर रहेगा। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो।